तो इस एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनाना सिखाऊंगा. इमेजिन अगर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे नेम मोहन, सोहन, रोहन, दिनेश, गणेश. नाउ अगर ये रिकॉर्ड्स को मैं एक लिस्ट के फॉर्म में शो करना चाहता हूँ, तो मैंने इस तरह से लिखा और हमारे A33 एग्जाम्पल को हम यहाँ पर रन करेंगे, A33 एग्जाम्पल. लेकिन ये तो एक ही लाइन में शो हो रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ब्रेक इंसर्ट किया और इसके बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये एक के बाद एक शो हो रहा है. पर हम चाहते हैं कि इसके सामने कोई बुलेट पॉइंट शो करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा. हमने कहा हम पेंट यूज़ करते हैं, पेंट ब्रश, और जो हमारा कैनवास का साइज़ है, तो हमने कैनवास का साइज़ एकदम स्मॉल साइज़ कर दिया है, ये कुछ इस तरह से. नाउ यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीफाइंग लेंस है, इससे मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ और कैनवास को और छोटा कर देते हैं कुछ इतना. और नाउ मैं ये ब्लैक इंक चूज़ करता हूँ, बकेट, और इसको हम फिल कर देते हैं. तो कुछ इस तरह से मैंने ये एक इमेज क्रिएट किया, फाइल सेव एज, और इसे हम लोग सी ड्राइव में, जो हमारा प्रैक्टिस फोल्डर है, HTML प्रैक, यहाँ इमेजेस के अंदर हम स्टोर कर देते हैं. हमने कहा स्क्वायर डॉट png. नाउ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और हम यहाँ पर इमेज इंसर्ट करेंगे. हमने कहा img src और क्लोज किया हम लोगों ने. हमने कहा इमेजेस स्लैश स्क्वायर डॉट png और थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से. और नाउ इस इमेज को हम लोग हर एक एंट्री से पहले प्लेस कर देते हैं, पोजीशन कर देते हैं. यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर png. और नाउ मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सबके सामने एक बुलेट पॉइंट आपको शो हो रहा है. तो ये एक अप्रोच है. और अब मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसे टैग के बारे में बताऊंगा, जिससे कि ये सब बातें बहुत ही आसान हो जाएंगी. हम एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं. हमने कहा a34.html. इस a34.html में हम लोगों ने एक नया टैग सीखना है, उसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट. हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया और इसके अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. li, सपोज हमने लिखा मोहन, देन उसके बाद और रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किया, हमने कहा रोहन, सोहन और गणेश, सुरेश, और हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के बाद एक बार ट्राई करेंगे. हमारा जो एग्जांपल है उसका नाम है a34.html. तो ये रहा हमारा a34.html. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट शो हो रहा है और बुलेट्स भी अपने आप आ गए हैं. हमें इसके लिए कोई सेपरेट कोई अप्रोच नहीं यूज़ करना पड़ रहा है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और डिटेल्स आपको बताऊँगा. इस वीडियो में इतना ही.